Hello dear children, welcome to drama class. So children, in the previous class we have completed some of the exercises of our lesson, the sentence. We have done exercise A, B, C. Okay, C I have given you as a homework. So हमने उन दो exercises में क्या किए थे? We have wrote them in a proper manner using capital letters and punctuation marks. आपको याद है ना? हमने जो letters को वापस से लिखे थे, उनमें कई प्रकार के स्थान दिए थे. जहाँ पे capital letter की जरूरत हुआ, capital letter का use किया for the names of person, place, okay, and some punctuation mark like full stop and question. So full stop हमने कहाँ use किया था? For the statement. और statement किसे कहते हैं? A sentence which tells us something. ऐसे sentence जिसमें हमें कुछ बताया जा रहा है, okay, जो information दिया जा रहा है. And question mark में हम क्या use करते हैं? Question sentence में question mark. A sentence which asks something. ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं. सो ये दो एक्सरसाइजेस में आपने अच्छे से रिवाइज करके लिया है. नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 20. ओके, सो व्हाट दे हैव टोल्ड अस टू डू, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. अगेन वी हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज. वापस से हमें वही करना है. यहाँ पे दिए गए वाक्यों में आपको कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग करना है. पहले तो सेंटेंस बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसको समझेंगे सेंटेंस में क्या कहा गया है, फिर आप सोचेंगे कि स्टेटमेंट है या क्वेश्चन सेंटेंस है. अगर स्टेटमेंट है वी विल यूज फुल स्टॉप, एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. अगर नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द प्लेस है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द कैपिटल लेटर. आपको याद है ना कैपिटल लेटर की लंबी सी लिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होना है, वो सब आपको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? माई आंटी, एम वाई वाई ए यू एन टी वाई आंटी, माई आंटी मेरी, एम ए आर वाई मेरी, इज एट द टॉय स्टोर, टी ओ वाई टॉय, एस टी ओ आर ई स्टोर. सो माई आंटी मेरी इज एट द टॉय स्टोर. सेंटेंस में क्या कहा है उन्होंने? मेरी आंटी मेरी, मीन्स मेरी आंट मेरी. आंटी का नाम क्या है? मेरी. इज एट द टॉय स्टोर. सो मेरी आंटी मेरी टॉय स्टोर में है, टॉयज की दुकान में है, खिलौनों की दुकान. सो फर्स्ट लेटर इज अ स्टेटमेंट. ये हमें बता रही है कि आंटी दुकान पर है. कौन सी दुकान? टॉय, खिलौनों की दुकान. सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एम वाई वाई ए यू एन डी वाई आंटी मेरी. आंटी का नाम क्या है? मेरी. नेम ऑफ अ पर्सन, जब नेम ऑफ अ पर्सन होता है तो पहला लेटर कैपिटल, एम ए आर वाई मेरी. इज एट द टी ओ वाई टॉय, एस टी ओ आर ई स्टोर, टॉय स्टोर. माय आंटी मेरी इज एट द टॉय स्टोर. चिल्ड्रेन, नाउ नंबर टू, द नेबर्स, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एस, नेबर्स, द नेबर्स कॉल्ड देयर किटन्स, सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड, डी एच ई आई आर डियर किटन्स, के आई डबल टी ई एन एस किटन्स, मिटन्स, एम आई डबल टी ई एन एस मिटन्स, द नेबर्स कॉल्ड देयर किटन्स. तो सेंटेंस में ऐसा कहा गया है, हमारे पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, हमारे पड़ोसी उनके किटन्स को किटन कहकर बुलाते हैं. ओके, सो द नेबर्स कॉल, कॉल मतलब बुलाना. सो हमारे पड़ोसी अपने किटन्स को किटन्स कहकर बुलाते हैं, ऐसा बता रहे हैं. सो अगेन इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल, द नेबर्स, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एस, द नेबर्स कॉल्ड देयर किचन्स किचन्स, एम आई डबल टी ई एन एस किचन्स. ओके, नेक्स्ट, अहमदाबाद ए
long. The Ganga River is very long. So sentence कैसा कहा गया है? The Ganga River, हमारी जो नदी गंगा है वो बहुत लंबी है. Okay, बहुत लंबी नदी है ये. So the गंगा हमारे भारत देश का बहुत ही पवित्र माना वाला रिवर है, इसलिए बहुत पूजा भी करते हैं. So गंगा नदी बहुत ही लंबी है. Okay, so river names of the rivers are written in the capital letter. So the beginning letter T in capital, E in the, and Ganga ka G bhi hum capital mein likhenge. G A N G A Ganga. R I V E R river, the Ganga river. I S is V E R Y very, L O N G long. Okay, full stop. Now number 5. नहीं लिखे हैं तो हम इसको राइट ऑर्डर में लगाएंगे. सो
वीक, हम इसको डे ऑफ द वीक होता है, पहला लेटर कैपिटल एस ए टी यू आर डी ए डी ए वाई, इट इज सैटरडे टुडे। चिल्ड्रेन, सो प्लीज 10F को होमवर्क पे करिए, बाद में पीडीएफ से चेक कर सकते हैं।